गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। आज हम प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन को जानने से पहले हम कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उनको पढ़ते हैं। चलिए, द बुक इज ऑन द डेस्क। किताब जो है वो डेस्क के ऊपर है। द कैट इज अंडर द टेबल। बिल्ली टेबल के नीचे है। द पेंटिंग इज ऑन द वॉल। पेंटिंग जो है वो दीवार पर है। आई एम सीटिंग इन द कार। मैं कार के अंदर हूँ। तो इन सेंटेंसेज में जो ग्रीन कलर के वर्ड हैं वो उनको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। यानी ये शब्द बुक और डेस्क का रिलेशन अन्य वर्डों से, अन्य यानी दूसरे शब्दों से शो करते हैं। कैट एंड टेबल का रिलेशन अन्य शब्दों से शो करते हैं। पेंटिंग एंड वॉल यानी जो नाउन होते हैं, नाउन या प्रोनाउन का नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होते हैं और उनका अन्य शब्दों से रिलेशन शो करते हैं, उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे प्रेपोजिशन वह शब्द या शब्द समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर, यूज होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों से रिलेशन शो करता है। यानी प्रेपोजिशन वह शब्द या वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होकर नाउन और प्रोनाउन का अन्य जो वर्ण शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं, उनके साथ उनका रिलेशन शो करता है। जैसे द बुक इज ऑन द डेस्क। बुक कहाँ पर है? डेस्क पे। द कैट इज अंडर द टेबल। कैट यानी बिल्ली। बिल्ली कहाँ पर है? टेबल के नीचे। द पेंटिंग इज ऑन द वॉल। जो किताब पेंटिंग जो है, तस्वीर जो है, वो कहाँ पर है? दीवार पे। आई एम सिटिंग इन द कार। मैं कार में बैठा हूँ। ठीक है, तो आज हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस यानी जगह जहाँ पे हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में हम इन और एट दो पढ़ेंगे। इन और एट दोनों को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इन को जानेंगे। इन का जो यूज होता है वो बिग एरिया यानी कि बहुत बड़े स्थान पर, बड़े प्लेस या बिग प्लेस या एरिया, बहुत बड़े स्थान पर यूज करते हैं जहाँ पे हम छोटे से हैं। यानी कि जैसे दे लिव इन दिल्ली, वे दिल्ली में रहते हैं। दे लिव इन दिल्ली, वे दिल्ली में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? दिल्ली में। यानी कि दिल्ली कोई छोटी जगह तो है नहीं, है ना? वे दिल्ली में रहते हैं। वी लिव इन इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं। तो हमने यहाँ पे बड़ी जगह, इंडिया बहुत बड़ा है ना, छोटा तो है नहीं। तो इंडिया में ये तो नहीं बताया ना कि कहाँ पे रहते हैं। इंडिया तो बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, 28 स्टेट हैं इसमें। तो अब देखिए, तो हम बिग प्लेस के लिए हमने क्या यूज़ किया? इनका यूज़ किया। एट का यूज हम स्मॉल प्लेस या एरिया के लिए करते हैं, छोटी जगह के लिए करते हैं। जैसे छोटी जगह यानी कि एग्जैक्ट स्थान, जो कोई स्थान होता है। ठीक है, जैसे दे लिव एट इंडिया गेट। वे कहाँ पे रहते हैं? इंडिया गेट। हमें पता है कि वो जगह का नाम है, एक एग्जैक्ट जगह है इंडिया गेट, है ना? तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? एट यानी कि छोटा स्थान है, एग्जैक्ट स्थान है, हमें पता है कि वो इंडिया गेट पे रहते हैं। चलिए अब हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में जानेंगे। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम यानी इन, ऑन, एट। इनका यूज हम मंथ्स के लिए करते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना? ईयर के लिए करते हैं, जैसे 2020, 2005, 2008 एक्सेट्रा। जैसे आई रीच्ड दिल्ली इन मे। मैं दिल्ली कब पहुंचा? मे में। आई रीच्ड दिल्ली इन 2005। मैं दिल्ली कब पहुंचा? 2005 में। तो हमने यहाँ पे मंथ्स के लिए क्या यूज़ किया? इन। और ईयर के लिए क्या यूज़ किया? इन।
ठीक है, ऑन, ऑन का यूज हम डे और डेट्स के लिए करते हैं, डे और डेट्स के लिए करते हैं। जैसे आई रीच्ड गोवा ऑन मंडे, डे यानी कि संडे मंडे, है ना, सभी जानते हैं सभी बच्चे। तो डे के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑन। आई रीच्ड गोवा ऑन मंडे, मैं कब पहुंचा गोवा, मंडे को। डेट के लिए आई रीच्ड गोवा ऑन 7th मे, मैं कब पहुंचा गोवा, 7 मई को, यानी 7th मे, यानी 7 मई को मैं गोवा पहुंचा। एट का यूज हम एग्जैक्ट टाइम के लिए करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के लिए। जैसे आई रीच्ड रेलवे स्टेशन एट 7 o'clock, मैं रेलवे स्टेशन पर कितना बजे पहुंचा, 7 बजे, ठीक है। चलिए बच्चे, अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस। अब हम यहाँ पे इन, ऑन एंड एट का यूज करेंगे टाइम और प्लेस के लिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं, माई बर्थडे फॉल्स डैश जून 10, मेरा बर्थडे 10 जून को आता है। तो हमें पता है डेट, डेट के लिए हमने क्या यूज़ किया था, ऑन, क्या यूज़ किया था, ऑन। जी हाँ, 10 जून है, अगर जून होता तो हम क्या यूज करते, इन। अब हमने, लेकिन जून 10 है, यानी कि 10 जून को है मेरा जन्मदिन, मुझे पता है पक्का 10 जून। अगर जून में होता, कोई डेट फिक्स नहीं होती, तो हम इनका यूज़ करते, लेकिन हमें पता है 10 जून को है, तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, ऑन, ठीक है। क्रिसमस ऑलवेज कम्स डैश दिसंबर, क्रिसमस हमेशा कब आता है, दिसंबर में। तो अब आपको पता है मंथ्स के लिए और ईयर के लिए हमने क्या यूज़ किया था, इन, क्या यूज़ किया था, इन, ठीक है। वी डोंट गो टू स्कूल ब्लैंक संडे, हम स्कूल नहीं जाते संडे को, संडे यानी के डे, संडे यानी डे, डे के लिए हमने क्या यूज़ किया, हमें पता है कि डे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन। माय अंकल लिव्स ब्लैंक दिल्ली, मेरे अंकल कहाँ रहते हैं, दिल्ली में। हमें पता है दिल्ली बिग एरिया है, छोटा प्लेस तो है नहीं, तो बिग एरिया के लिए हमने क्या यूज़ किया, इन। आवर स्कूल स्टार्ट्स डैश 8:30 AM, हमारा स्कूल 8:30 पे शुरू होता है, 8:30 यानी एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्ट टाइम जो है उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, क्या यूज़ करते हैं एग्जैक्ट टाइम के लिए हम, एट। हमने ऊपर पढ़ा था कि एग्जैक्ट टाइम जो दे रखा है उसके लिए हम एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट प्लेस के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। वी प्ले कैरम डैश द इवनिंग, हम इवनिंग में क्या खेलते हैं, कैरम खेलते हैं। तो इवनिंग और मॉर्निंग के लिए हम इन का यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, इन। आई लिव एट मुखर्जी नगर डैश दिल्ली, मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ, एट मुखर्जी नगर, सॉरी यहाँ पे हमने पहले ही फिल कर दिया था, लेकिन ये एट का यूज क्यों किया हमने, क्योंकि मुखर्जी नगर छोटी जगह है लेकिन दिल्ली बड़ा है, तो इन दिल्ली एट मुखर्जी नगर, यानी दिल्ली में कहाँ पे रहते हैं, मैं कहाँ पे रहता हूँ, दिल्ली में मुखर्जी नगर, एग्जैक्ट स्थान क्या है, मुखर्जी नगर, और दिल्ली जो है वो बिग एरिया है, इसलिए हमने इनका यूज किया। थैंक यू।